What's up guys, कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another video. तो आज की वीडियो बहुत क्रेजी होने वाली है क्योंकि मैं सीखने वाला हूँ क्रेजी पार्कोर स्किल्स. लेट्स गो. फिलहाल तो भी मैं किसी भी पार्कोर स्किल में बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं हूँ, बट स्कूल टाइम पे मैं एक दो बारी दीवार टाप के जरूर भागा हूँ और अपनी नानी के यहाँ पेड़ वेड़ पे चढ़कर आम भी तोड़े हैं. खैर ये सब तो थी बेसिक मूवमेंट्स, बट आज हमें जाना है कुछ नेक्स्ट लेवल पे, जिसके लिए मेरे साथ है प्रोफेशनल ट्रेनर्स. तो ये सारी मूव्स ट्रेनर एंड सेफ्टी के साथ हो रही है, तो आई होप तुम्हें तुम्हारा मुंह और दांत दोनों प्यारे होंगे. तो ये सब घर पे ट्राई मत करना. तो पार्कोर में ना इनफाइनाइट मूव्स है, कुछ इजी है, कुछ डिफिकल्ट है और कुछ डेंजरस भी है. तो इसीलिए मैंने स्टार्ट करा बेसिक से. तो पार्कोर के लिए एक अच्छी जंप एंड लैंडिंग बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए, जिसको आज मैं ट्रेन करने वाला हूँ यहाँ पे. एक लास्ट वाला रहेगा, दोबारा ट्राई करते हैं. तो ये तो था ग्राउंड लेवल, बट अब चलते हैं थोड़ी सी हाइट पे. दोबारा से मुझे कॉन्टिन्यूसली जंप मारनी है, ब्रेक नहीं लेना. लेट्स गो. तो हाइट वाली जंप्स भी मैंने फर्स्ट टाइम में काफी अच्छी कर दी, बट अभी अगर ज्यादा हाइट होगी तो मुझे जंप का इंपैक्ट कम करना है ताकि मेरी टांगे ना टूटे. तो उसके लिए मुझे करना होगा रोल कुछ इस टाइप से. ओके, लेट्स गो. तो बेसिक मूव्स सीखने के बाद मैं एक लेवल अप गया टिक टाक पे. तो इस मूवमेंट में मुझे एक वॉल पे किक करना है और सामने लैंड करना है. स्टार्टिंग में खराब लैंडिंग हो रही थी, बट 4-5 ट्राई बाद मैंने अपनी लैंडिंग भी परफेक्ट कर ली. खैर ये तो थी लैंडिंग, बट अब मुझे टिक टैक में क्लाइंबिंग करनी है, यानी एक वॉल से सामने किक मारना है और दूसरी वॉल पे क्लाइंब करना है. बचपन में मैंने स्कूल में क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी सब खेला है, तो ये मेरे को मुश्किल नहीं लगा. तो ये सारी मूव्स लर्न करने के बाद मैं प्रैक्टिस करने लग गया बैलेंसिंग की, क्योंकि मुझे वॉल पे भी चलना है और उसके लिए बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है, और बैलेंसिंग सीखने के लिए इंपॉर्टेंट है कॉन्सेंट्रेशन. तो भी थोड़ा बहुत डर लग रहा है, क्योंकि जितनी स्किल सीखी है और वो एक एक करके मैं सारी यहाँ पर अप्लाई करने वाला हूँ. तो स्टार्ट करेंगे वहाँ से, फिर क्लाइंब करेंगे इस वॉल पे, फिर जाऊँगा उस वॉल पे, फिर जाएंगे एकदम टॉप पे, और वहीं से मुझे लैंडिंग भी करनी है. तो जंपिंग, वॉकिंग, लैंडिंग, बैलेंसिंग सब कुछ यहाँ पर होने वाला है. आ जाओ भाई, कॉन्फिडेंस है, डर बाहर में जाओ, अभी करेंगे. तो कल जितनी भी चीज़ें मैंने सीखी थी, आज मैं सारी की सारी ट्राई करने वाला हूँ, बट विदाउट एनी ट्रेनर और विदाउट एनी सेफ्टी. तो स्टार्ट करते हैं थोड़ा सिंपल से. यहाँ पर एक नॉर्मल सा वॉल है जिसपे मैं स्लाइड करके नीचे आने वाला हूँ. नीचे तो इजीली आ गया, अब देखते हैं क्लाइंब कर पाता हूँ या फिर नहीं. तो अभी मैं करने वाला हूँ एस्केप वॉल, जिसमें मुझे उस वॉल से टाप के इधर आना है एंड रोल करना है. ओ भाई, ग्रास में पैर स्लिप हो गया भाई थोड़ा सा. yes. तो नेक्स्ट मैं करने वाला हूँ वॉल क्लाइंबिंग एंड वॉल रन. बट हर एक पार्कोर मूव में ना एक चीज ध्यान में रखनी होती है कि हमारी नी एंड एल्बो कहीं यूज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से इंजरी हो सकती है. लेट्स सी. तो पीछे मेरे एक छोटा सा वॉच टावर है जिसपे भी मुझे क्लाइंब करना है और डायरेक्ट जंप मार के नीचे आना है. कर लूंगा भाई, टेंशन नहीं है. ओह भाई, इजी. तो मेरे लेफ्ट में एक वॉल है, चेक करते हैं कि कितनी देर में मैं इस वॉल को क्लाइंब करके उस पार जाके वापस आता हूँ. लेट्स गो.
ये सारी मूव्स करी मैंने सेपरेटली, बट अब बारी है सबको एक साथ करने की एक फ्री रन में। सब बढ़िया चल रहा था और मैं पाको की सारी मूव्स धीरे धीरे लर्न करता जा रहा था, बट तभी पता नहीं क्यों मुझे अचानक से मस्ती चढ़ गई कि मुझे फ्रंट फ्लिप सीखनी है। फट बहुत ज्यादा रही है अभी, बट ठीक है ट्राई करते हैं। एक तो यार ग्रास पे इतनी तेज तेज लग रही थी ना कि ट्राई करने का मन नहीं कर रहा था, बट फिर भी मैंने काफी कोशिश करी और उसके बाद भी मुझे बहुत चोट लगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना चलते हैं ट्रैम्पलिन पार्क, वहां पर चोट नहीं लगेगी और शायद मैं फ्लिप सीख भी जाऊंगा। तो अपना डर खोलने के लिए मैं पहुंच गया ट्रैम्पलिन पार्क और मैंने यहाँ पर काफी सारी फ्लिप्स मारी। हाँ वो बात अलग है कि एक भी फ्लिप में मैं प्रॉपर लैंड नहीं हो पाया, हर बार बस गिर के उछल रहा था मैं। बट जल्दबाजी में सीखने के चक्कर में कुछ देर बाद मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। हाँ ओके कुछ नहीं हुआ। हाँ बस वीडियो का आउटरो नहीं हुआ था जो कि मैं अभी कर रहा हूँ, और कोई हड्डी वड्डी नहीं रूटी, टेंशन मत लो, जीतेगा वीडियो आएगा। बाकी ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स में जाके बताओ, लाइक का बटन भी बगल में ही है उसे दबा देना। और ये अपना फर्स्ट पार्कोर वीडियो है, यानी आने वाले जो पार्कोर के वीडियो है वो थोड़े से और एक्सट्रीम लेवल होने वाले हैं, तो फुल मजा आने वाला है। इसीलिए कह रहा हूँ नीचे जाओ सब्सक्राइब का बटन है जल्दी से दबा के, चाहे सब्सक्राइब कर दो। 2 मिलियन आप लोग करा चुके हो उसके लिए थैंक यू सो मच। अभी तो मैं और आगे जा रहा हूं, तो आप ही सपोर्ट करोगे, जाओ दबा दो लाइक सब्सक्राइब कमेंट, लेट्स गो बाय।